यहाँ पंचायत होने वाली है किसानों के समर्थन में। एक किसान प्रदर्शन को समर्थन के लिए कूच है ये, सुबह 10 बजे सांगवान खाप कूच करेगा। तो किसानों के समर्थन में ये खाप पंचायत किसान प्रदर्शन को समर्थन करने के लिए कूच दिल्ली की तरफ, सुबह 10 बजे सांगवान खाप कूच करेगा। किसानों के समर्थन में खाप पंचायत अब और किसानों के समर्थन के लिए उनकी आवाज को और बुलंद करने के लिए आज 10 बजे दिल्ली की तरफ कूच होगी। आज खाप पंचायत दिल्ली की तरफ कूच करेंगे, सुबह 10 बजे किसान प्रदर्शन को समर्थन करने के लिए ये कूच दिल्ली की तरफ आगे बढ़ती दिखेगी। ऑर्डिनेंस खत्म कर दो, असि वापसी चले जाएंगे। सरकार ने गलत लाया साढ़े सर, तो आपके कर्जा मिले सर, बच्चे भी आए निके निके कम सर पे कर दें जी, घर फसल सामने जी, वो साढ़ा बराबाद हो जूगा, ये मंडी सिस्टम साढ़ा लागू रहे। सरकार साढ़े मंजूर करे मंग, साढ़े ऑर्डिनेंस बंद कर दे, तो असि फिर चले जाएंगे उस बाद, होर कुछ नहीं पाल रही। ਅਸੀਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜੀ। ਬੈਠਿਆਂ ਜੀ ਜੋ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਗਾ ਜੀ, ਘਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। और अवैध हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अवैध सब किसानों के प्रदर्शन को समर्थन के लिए एक खाप पंचायत आगे आरती दिख रही है। खाप पंचायत जो है उसने कल ही ऐलान कर दिया था कि किसानों के समर्थन में है, और जब तक किसान धरना प्रदर्शन पर रहेंगे तब तक हरियाणा की जितनी भी खाप पंचायतें हैं वो समर्थन के लेंगे, और 10 बजे दिल्ली बॉर्डर के लिए कूच भी करेंगे। इसके अलावा बातचीत के लिए केंद्र सरकार ने किसानों को बुलाया है, और उसके उसको लेकर एक बयान किसान संघर्ष समिति की तरफ से है, जिन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार ने सिर्फ 32 किसान संगठनों को ही बातचीत बुलाया है, क्योंकि देश में 500 से ज्यादा किसान संगठन है, जब तक सभी को नहीं बुलाया जाता है तब तक बातचीत नहीं होगी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए आपका। फिलहाल तो जितने भी संगठन है किसान